नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का वेलकम है। और आज का जो टॉपिक रहेगा वो आप लोगों की जो कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि हिंदी के वीडियोज भी प्रोवाइड करवाएं। सो दैट गाइज, आप लोगों ने डिमांड की थी मुहावरे और लोकोक्तियों के बारे में थोड़ा सा बताया जाए, तो मैं यहाँ आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसा कि हमारे एक्सपर्ट ने मुझे मैटर प्रोवाइड करवाया, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको कुछ डिटेल्स बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए मददगार साबित होगा। अगर ऐसा होता है तो आप मुझे फीडबैक जरूर दें, ताकि मैं आगे भी आपको इस तरह की रिलेटेड वीडियो, कोई भी वीडियो होगा, मैं प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूंगा गाइज। तो शुरुआत करते हैं आज के इस स्पेशल वीडियो में। जैसा कि आज का जो वीडियो है उसका नाम रखा है लोकोक्तियां मुहावरे, हिंदी का टॉपिक है, स्पेशल एलडीसी के एग्जाम में पूछे जाने वाला टॉपिक है। और बात करें हिंदी से संबंधित एक दो एग्जाम्स होने वाली हैं जो भी रिसेंटली, उसमें ये वाला टॉपिक आएगा। तो सबसे पहली बात की जाए तो कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे सवाल किए थे कि सर लोकोक्ति और मुहावरों में क्या अर्थ होता है। तो पहली बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो मुहावरे जो है, तो मुहावरा जो है वो अरबी भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है। और इस अरबी भाषा के शब्द का इसका अर्थ होता है अभिव्यक्ति या बातचीत। तो कई बार क्या होता है, अभिव्यक्ति या बातचीत का जो तरीका होता है कुछ अलग हट करके हो जाता है, जिसे समझने में, कहने का तो उसका जो अंदाज होता है वो बदल जाता है, तो वो मुहावरा बन जाता है। अर्थात थोड़ा कहने का स्टाइल, जो लहजा बदल जाता है, लच्छेदार लैंग्वेज हम जिसे बोलते हैं, तो मुहावरा बन जाता है। जबकि लोकोक्ति जो होती है वो लोक प्लस उक्ति, लोगों के द्वारा कही गई उक्ति। और ये जो लोकोक्तियां होती हैं ये अनुभव के आधार पर होती हैं। लोगों अनुभव के आधार पर कोई स्टेटमेंट देते हैं, वो फिर क्या उक्ति बन जाती है, अर्थात लोकोक्ति बन जाती है। तो मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है अभिव्यक्ति या बातचीत। तो बातचीत का तरीका कई बार स्पेशल बन जाता है, कुछ अलग हटके बन जाता है, वो क्या कहलाता है गाइज? वो कहलाता है हमारा मुहावरा। और लोग अनुभव के आधार पर जो उक्तियां कही गई है वो क्या है? लोकोक्ति है। ठीक है गाइज, ये इनमें अंतर था जो आप लोगों ने जानने की कोशिश की थी। और जैसे एक्सपर्ट ने मुझे मैटर प्रोवाइड करवाया उसके आधार पे मैं आपको बता रहा हूँ। अभी पहले हम एक बार मुहावरों पे कुछ डिस्कस करते हैं इंपोर्टेंट पे, उसके बाद में लोकोक्ति पर करेंगे। इस वीडियो में हम मुहावरे और लोकोक्ति दोनों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साइड में बेल आइकन का बटन दबा हुआ है। अगर आप ज्यादा से ज्यादा वीडियोज के अपडेट का लाभ उठाना चाहते हैं तो उसे प्रेस करना ना भूलें, ताकि जी हम यह वीडियो डालेंगे आपके पास सूचना पहुंच जाएगी। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं, लिखा हुआ है आंखें चार करना। देखिए हम नॉर्मल लैंग्वेज में पूछते हैं कि आप लोगों ने हिंदी गाने सुने होंगे, हिंदी मूवीज अगर देखते हैं तो बार बार आता है कि आंखें चार कर ले। आंखें चार का मतलब होता है आंखें चार, तो दो और दो चार तो होंगे नहीं, मगर आमने सामने आ जाएंगे। आंखें चार का मतलब आमने सामने होना, आमने सामने जब मुलाकात करेंगे तो ये आंखें चार होगी ना। तो आंखें चार का मतलब क्या हो गया? यहाँ दो और दो चार नहीं करना, आमने सामना होना। तो आमना सामना होगा तो दो अपने आप हो गई, तो अगले की दो आपकी चार होगी। तो आंखें चार करना अर्थ दे रहा है ये, ओके। मगर एक लैंग्वेज में हो गया, एक तो हम लोग ये बोले आओ यार चलो मिल लेते हैं, एक है आओ यार आंखें चार कर लेते हैं। तो आंखें चार का मतलब क्या हो गया? आमने सामने मिलना, राइट। तो एक लैंग्वेज जो है, अभिव्यक्ति कहने का जो तरीका है वो थोड़ा सा बदल गया। तो यही हमारा मुहावरा है। अपन बोलते हैं ना यार ये अक्ल का दुश्मन है, अक्ल का दुश्मन, इनकी किसको क्या समझा यार, ये तो अक्ल का दुश्मन। अक्ल का दुश्मन मूर्ख, जिसको कोई बात समझ में नहीं आए। तो अक्ल का दुश्मन का मतलब मूर्ख, ठीक है गाइस। तो मूर्ख व्यक्ति के लिए अपन बोलते हैं तो अक्ल का दुश्मन है, ओके गाइस। फिर आंख से काजल चुराना, किसी आंख से काजल चुरा लूंगा, तो बोलते हैं ना कि तेरी आंखों से मैं काजल चुरा लूंगा। तो काजल चुरा लूंगा अर्थात आंखों ही आंखों में, इनकी बातें बातें समझना या कोई सीक्रेट बात है उसके भावों को समझ जाना। तो आंखों से काजल चुराना, इनकी आंख जो है उसे काजल कैसे चुराएगा आदमी? तो इन्हें कहने का मतलब एक सीक्रेट बात या गुप्त रहस्य को जान लेना या गुप्त भाव को जान लेना, ठीक है। आप जब एग्जाम में बैठे तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल पे जाने की कोशिश करें, थोड़ा सा सोचने की करें माइंड। फिर यहाँ पे बात करते हैं अगले वाले पॉइंट पे, देखिएगा आंखों में बसना। ये कहते हैं ना आंखों में बसे हो तुम, आंखों में बसना का मतलब कोई चीज हमारी आंखों में बस चुकी है, अर्थात हम उसे बार बार देखना चाहते हैं, अर्थात वो क्या हो चुकी है? प्रिय, बहुत प्रिय होना, अत्यधिक प्रिय होना, ठीक है। फिर आंख गड़ाना, कोई चीज गड़ेगी तो क्या देती है? तकलीफ देती है ना। मगर यहाँ पर हम लोग कह रहे कि आंख गड़ाना, तो आंख क्यों? क्यों यार, ये तो आंखें गड़ा लिया, फिक्स कर देना, केंद्रित करने देना, एक जगह देखना। तो यहाँ पर आंख गड़ाना का अर्थ होगा ध्यान से देखना, राइट गाइस। अपन कहते हैं ना आंख गड़ा के देखो, इसमें आपको पता लगे कि अब क्या क्या है। तो आंख गड़ाना, फिक्स देखना, अच्छे से देखना। फिर अंगारों पर पैर रखना, अपन ये कहते हैं यार भाई तू क्यों अंगारों पे पैर रख रहा है, यानी कि आफत मोड़ लेना, परेशानी मोड़ लेना, ठीक है। अंगारों पे आप पैर रखोगे तो क्या हो जाएगा? खतरनाक कार्य हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग इसकी जो परिभाषा देंगे ये कहेंगे खतरनाक कार्य करना, ठीक है गाइस। तो यहाँ तो मैंने समझाया था कि अंगारों पे पैर रखना का मतलब परेशानी, तो परेशानी क्या है? अंगारों पे बड़ी परेशानी, तो खतरा मोड़ लेना, यानी कि खतरों से खेलना। तो अंगारों पर खेलना का मतलब, अंगारों पे पैर रखने का मतलब खतरनाक कार्य करना, ठीक है। इसको शुद्ध भाषा में हम लोग क्या लिखेंगे? खतरनाक कार्य करना, ठीक है। आग में कूदना, आग में आप कूद रहे हैं तो आपको ही पता है कि समस्या उत्पन्न होगी, तो आग में कूदने का मतलब क्या होगी? समस्या मोल ले ली अपन ने। तो दो चीजें, अंगारों पर पैर रखना को हम लेंगे खतरनाक कार्य करना,
और आग में कूदना का मतलब हो जाएगा विपत्ति या आफत मोल लेना। आफत का मारा, अपन कह आफत का मारा इनकी बेचारा ऐ भागा ऐ सहाय के लिए यूज करेंगे। अरण्य रोदन, अरण्य रोदन का मतलब होता है बेकार का प्रयास, व्यर्थ का प्रयास अर्थात जिससे हमें कुछ नहीं मिलने वाला। फिर आहुति देना, अपन कहते हैं ना इस चीज की आहुति दे, तो आहुति का मतलब अपने आप को अर्पित कर देना। और इंद्र की परी, इंद्र की परी का मतलब परी तो परी हो गई ऑब्वियस सी बात है, सुंदर के लिए यूज करेंगे। और इंद्र की परी का मतलब बहुत खूबसूरत, अत्यधिक खूबसूरत स्त्री, उसके लिए कहते हैं। तो इंद्र की परी है भाई, अपन नहीं कहते इंद्र की परी है ये भाई, तो ये तो श्लोक से आई हुई है भाई। तो कहने लगा इंद्र की परी का मतलब बहुत सुंदर स्त्री के लिए यूज करते हैं, राइट गाइस। आस्तीन का सांप आप लोग जानते हो, आस्तीन का सांप है, आस्तीन का सांप का मतलब विश्वासघाती, जो विश्वासघात करता है उसको क्या बोलते हैं, आस्तीन का सांप, यानी कि विश्वासघाती, विश्वासघात करने वाला। फिर है उंगली उठाना, उंगली उठाने का मतलब अपन कह रहे हैं यार ये मेरे ऊपर उंगली उठा रहे हैं, उंगली का मतलब किसी पर आरोप लगाना, आरोप प्रत्यारोप लगना, ठीक है। ये नहीं कहते यार ये ऊपर उंगली उठा रहे हैं, तो किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगना उसको बोलते हैं उंगली उठाना। आँच न आने देना, आप कह रहे हो भाई मैं तुझ पे कभी कोई आँच नहीं आने दूंगा, बोलते हैं ना आप अपनी यारी दोस्ती में, आप बोलते रहते हो भाई कुछ भी हो जाए मैं तेरे ऊपर आँच नहीं आने दूंगा, अर्थात किसी तरह का कोई कष्ट नहीं आने देना। क्या होता है इसका मतलब, किसी तरह का कोई कष्ट नहीं आने देना, राइट। 19-20 होना, अपन कहते हैं यार ये 19-20 का ही तो मामला चल जाएगा, तो थोड़ा बहुत अंतर, मामूली अंतर, ठीक है, उसके लिए क्या यूज करेंगे, 19-20 होना। आकाश के तारे तोड़ना, आकाश से तारे तोड़ के ला सकते हो, ला सकते हो, आकाश के तारे तोड़ना अर्थात ये कैसा कार्य, असंभव कार्य करना, ये कैसा है, असंभव कार्य करना। आसमान में उड़ना, तो आसमान में उड़ सकते हैं कि हम लोग, वैसे नहीं उड़ सकते हैं, तो आसमान में उड़ने का मतलब है कल्पना करना। और आसमान टूट पड़ना, अपन कहते हैं यार ये तो आसमान टूट पड़ा, कई बार किसी के साथ में कोई ट्रेस्टी हो जाती है, अपन कहते हैं यार इस पर तो यार दुखों का आसमान टूट पड़ा, अर्थात विपत्तियां टूट पड़ना, भारी संकट आ जाना, तो उसको बोलते हैं आसमान टूट पड़ना, ठीक है। तो ये वाले अपन ने पढ़े, इसके आगे अपन लोग देखते हैं। देखिए अगर बात करें तो ऋण उतारना, अगले मुहावरे की बात करते हैं। ऋण उतारना, अपन ने कहा किसी का ऋण उतार दिया अर्थात किसी का कर्जा उतार देना, कर्जा मुक्त हो जाना। यहाँ पे आप नोट डाउन करते रहिएगा, ठीक है, मैं बोलता जा रहा हूँ तो थोड़ा सा टाइम भी अपना कंज्यूम हो जाएगा और इससे थोड़ा सा बेनिफिट रहेगा, ओके, राइट गाइस। यहाँ पे ऋण चढ़ना, ऋण चढ़ना तो कर्जा चढ़ना, तो दोनों आ गए, ऋण उतारना और ऋण चढ़ना। तो ऋण उतारने का मतलब हो गया कि हमारा कर्जा खत्म हो गया, ऋण चढ़ना का मतलब कर्जा हो जाना, ओके। एक आंख ना बांधना, अपन नहीं कहते वो तो मेरे को सुहाता नहीं, एक आंख में नहीं सुहाता अर्थात कोई चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आना, उसको हम लोग बोलते हैं, अपन बोलते हैं ना एक आंख, यानी कि वो तो मुझे एक आंख में नहीं वारता अर्थात बिल्कुल नहीं सुहाना, ठीक है, यानी कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगना। ईंट का जवाब पत्थर से, तो ईंट का जवाब अपन बोलते हैं ना उसने ईंट का बराबर की टक्कर देना, कड़ी टक्कर देना, अपन कहते हैं ना उसको ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए, तो कड़ी टक्कर देना यानी कि जवाबी कार्यवाही करना। तो ईंट का जवाब किसे देना, पत्थर से, यानी कि जवाबी कार्यवाही करना या बराबर की टक्कर देना, कड़ी टक्कर देना के रूप में यूज कर सकते हैं, बहुत बार काम में आता है। अपने खून खोलना, अपन कहते खून खोल रहा है, गुस्सा आना, क्रोधित होना, जोश में आ जाना, तो ये कहते खून खोल रहा है, इसका मतलब क्रोध आ रहा है, जोश में हो जाना, तो ये ठीक है। खाक में मिलाना, तो खाक मिलना का मतलब क्या होता है, अपन नहीं कहते इसको खाक में मिला देंगे, खाक में मिलना यानी कि नष्ट हो जाना, क्या हो जाना, नष्ट हो जाना, समाप्त हो जाना। घाघर में सागर, अपन नहीं कहते कि इसने तो कम घाघर में सागर भर दिया, अर्थात कम शब्दों में बहुत कुछ कह देना, उसको बोलते हैं घाघर में सागर भरना। गीदर भौंकी, गीदर भौंकी झूठी धमकियां देना, अपन कहते हैं ना गीदर भौंकी देते हैं लोग, अर्थात झूठी धमकियां देना सिर्फ डराने की खातिर कुछ कहना, उसको बोलते हैं गीदर भौंकी। और गंगा नहाना, गंगा अपन कहते नहीं यार यार, कई बार कोई अच्छा काम हो जाता है अपन तब कहते हैं यार अपन दे करके गंगा नहा लिए भाई, गंगा नहाना का मतलब एक बहुत अच्छा कार्य संपन्न कर देना, उसको बोलते हैं गंगा नहाना, एक अच्छा कार्य संपन्न कर देना या कोई बहुत अच्छा कार्य कर लेना। आप भी बोलते हैं घी के दिए जलाना, जब अच्छा काम कर देंगे अर्थात तो हमें खुशियां मिलेंगी, तो खुशियां मिलेंगी, तो घी के दीपक, घी के दीपक का मतलब क्या हो गया, खुशियां मनाना, तो घी का दिए जलाना, जब खुशियां होंगी तभी तो जलाएंगे, तो इसका अर्थ क्या होगा, खुशियां मनाना। गुड़ गोबर कर देना, अपन करो नहीं कहते यार इसने तो खांड का ही पानी कर दिया, अर्थात काम खराब कर दिया, तो अच्छा काम चल रहा था उसको खराब कर देना, तो अच्छे वाले काम को बिगाड़ देना, तो क्या कहते हैं, गुड़ गोबर करना। कलई खुलना, कलई खुलना, अपन कहते हैं ना भाई कितने दिन कुरने में गुड़ फोड़ेगा, एक दिन ना एक दिन तो पता लग ही जाएगा, तो कलई खुलना अर्थात राज का पता लग जाना, किसी की गलत बात इत्यादि जो है सीक्रेट बात है ना, जो गलत उस बात का कोई गलत बात इत्यादि होती है वो खुल जाना, उसका राज खुल जाना, उसको बोलते हैं कलई खुलना। कदम चूमना, कदम चूमना का मतलब किसी का आदर करना, अपन किसी को प्रणाम करते हैं, किसी के कदमों में अर्थात झुकते हैं, तो अपन लोग उसका क्या करते हैं, आदर करते हैं, तो कदम चूमना का मतलब हो गया आदर करना, राइट गाइस।
कमर कसना, तो अब आप लोगों को भी कमर कस देनी है क्योंकि एग्जाम की डेट पास में आ चुकी है और स्टूडेंट्स को हमेशा क्या करना चाहिए, कमर कसते। अपन कहते हैं ना कमर कस लो, अब तुम्हारी एग्जाम आ चुकी है, तो क्या कमर कसना अर्थात तैयार रहना, बिल्कुल पूरी तरह से तैयार रहना। गड़े मुर्दे उखाड़ना, तो गड़े मुर्दे जो मुर्दे हो गए उसको उखाड़ेंगे, तो अर्थात पुरानी बातें इत्यादि पर बहस करना, पुरानी बातें याद करना, ठीक है, तो उसको बोलते हैं गड़े मुर्दे उखाड़ना। अपन कई बार नहीं होते, अपन बैठ जाते हैं फिर बात चलती है, अपन कहते हैं यार क्यों गड़े मुर्दे उखाड़ रहा था, क्यों फालतू की जो पीछे पुरानी बातें हैं उन पे तुम लोग क्यों बहस कर रहे था, तुमको क्यों ला लेके आ रहे हो बीच में। गेहूं के साथ गुड़ पीसना, कई आदमी आपके साथ में बहस कर रहे होते हैं, कोई आदमी कर रहा होता है तो आप लोग कहते हैं ना देख भाई तू चुप रहे, तेल की पूड़ी में गवाही ना दे, वरना ऐसा ना हो कि गेहूं के साथ साथ गुड़ भी पिस जाए। अर्थात हमारी दुश्मनी उससे, तो हम उस जो साइड में बोल रहा होता है उसको इशारा करते हैं कि देख इसका तो काम होना ही होना है, मगर साथ में ध्यान रखना कहीं ऐसा ना हो कि तेरा काम भी हो जाए। तो इसलिए गेहूं के साथ गुड़ पिसना का मतलब बड़ी चीज के साथ छोटी चीज भी कभी काम हो जाना, काम तमाम कर देना, अगला यही आ गया काम तमाम कर देना, तो अपन कहते हैं ना अरे यार उसका तो काम तमाम हो गया भाई, अर्थात खत्म कर देना, समाप्त हो जाना, मर जाना, ठीक है। कीचड़ उछाना, तो कीचड़ उछाना एक अलग ही वर्ड है ना कि यार वो कीचड़ उछाड़ रहे उसकी इज्जत पे, तो अर्थात किसी को बदनाम करना। कीचड़ उछालना मतलब किसी को बदनाम करना, किसी के ऊपर उंगली, अपन बताया था ना कि अपन कह रहे हैं वो उस पर कीचड़ उछाल रहा था, उसको बदनाम करने की साजिश करना, तो बदनाम करना क्या हो जाएगा, बदनाम करना। खून के आंसू पीना, कई बार कई व्यक्ति नहीं कहते कि तुम्हें नहीं मालूम कि इस बंदे ने मुझे कितने खून के आंसू पिलाए, खून के आंसू बहुत तकलीफ देना, बहुत परेशान करना, तो उसको कहते हैं खून के आंसू पिलाना। गले का हार, गले का हार, गले में हार जो डालते हैं वो क्या होता है भाई, बहुत प्यारा तो होता है ना, उसी को तो डालते हैं ना गले का हार, अर्थात जिसको हम लोग यहाँ रखना चाहते हैं, हमारे गले में रखना चाहते हैं, वो क्या है अत्यधिक प्रिय, तो अत्यधिक प्रिय चांदी होना। अपन नहीं, आप यार दोस्तों में जब बैठते हो किसी का अच्छा काम चल रहा है तो आप कहते हैं भाई इसके तो चांदी हो रखी है, चांदी, चांदी होना का मतलब खुशियां ही खुशियां होना, ठीक है। चिकना घड़ा, किसी आदमी को कितना ही बोल दो ठीठ का ठीठ ही रहता है, तो अपन कहते हैं चिकना घड़ा, कोई असर नहीं होता उस पर, ठीक है, आप कितना भी समझा लो समझेगा नहीं, तो अपन कहते हैं चिकना घड़ा है भाई, तो चिकने घड़े पे क्या पानी उगता नहीं ना, उसी तरीके से ढीठ आदमी है उसको आप कितना ही समझाओ समझेगा नहीं, तो अपन कहते हैं चिकना घड़ा। चींटी की चाल, चींटी कैसे चलती है, धीमी धीमे, धीमी गति से चलना है, धीमी गति से कार्य करना। टेढ़ी खीर, अपन नहीं कहते, कई कंजूस आदमी होते अपन कहते इससे, अरे भाई तू बड़े चीज की तो छोड़, ठीक है, बर्फी रसगुल्ले गुलाब जामुन की छोड़, तू इससे कोटा कचौरी तक नहीं मंगवा सकता, आयल की छोटी छोटी चीजें भी नहीं मंगवा सकता, आयल की से 2 रुपए निकलवाना क्या, टेढ़ी खीर अर्थात कठिन कार्य है, तो टेढ़ी खीर का मतलब क्या हो गया, कठिन कार्य, ठीक है गाइस आगे बढ़ते हैं। देखिएगा आगे अगर बात करें तो देखिएगा यहाँ लिखा हुआ है चांदी का जूता, तो चांदी का जूता का मतलब यहाँ चांदी का जूता से नहीं है, यहाँ रिश्वत से लेकर के है, किससे है, रिश्वत है। चंद्रमा बलवान होना, यानी कि किसी का चंद्रमा अगर उसके ग्रह नक्षत्र की बात की जाए तो जिसके चंद्रमा अच्छे योग में बैठा होता है ऐसा समझा जाता है कि उसके बहुत अच्छे योग है, तो चंद्रमा बलवान होना का मतलब सुख समृद्धिशाली होना या सुखी होना। छक्के छुड़ाना, अपन नहीं कहते उन्होंने दुश्मन के छक्के छुड़ा दिया अर्थात बुरी तरह से पराजित कर देना, क्या हो जाएगा, बुरी तरह से पराजित कर देना, राइट गाइज। फिर बात करते हैं जंगल में मंगल होना, बहुत काम में लेते हैं अपन ये वाला भी और ये वाला भी, छक्के छुड़ाने वाला बहुत काम में लेते हैं, छक्के छुड़ाना किसी को बुरी तरह से परास्त कर देना, और जंगल में मंगल होना, तो अपन कहते हैं यार जंगल में मंगल हो जाएगी, यहाँ जहां मान लीजिएगा जैसे जंगल है वहां पर भी चहल पहल हो जाए अर्थात एकांत इत्यादि जगह हो वहां पर चहल पहल हो जाना, उसको क्या बोलते हैं, जंगल में मंगल हो जाना। झक मारना, अपन क्या कहते हैं, अरे यार क्या कर रहा है, झक मार रहा है क्या, झक मारने का मतलब समझ गए होंगे, यानी कि ठाले बैठे रहना या व्रत के बैठे रहना, व्रत का समय खराब करना, ठीक है। ढोल पीटना, ढोल पीटना, अपन ढोल पीटेंगे, अपन कहते हैं ना अरे यार तेरे को इस बात के लिए ढोल पीटने की क्या जरूरत थी, तो कहने वाला किसी चीज का प्रचार करना, ढोल पीटना मतलब प्रचार करना, अपन नहीं कहते अरे यार उसने तो पूरे गांव में ढोल पीट दिया इस बात का, तो कहने वाला किसी बात का प्रचार कर देना, सबको जा जाके बता देना, तो ढोल पीटना का मतलब प्रचार करना, ओके। तारे गिनना, तो तारे तो गिन नहीं सकते हम लोग, तो तारे गिनने का ये जो भावार्थ निकलेगा वो क्या निकल जाएगा, व्यग्रता से किसी चीज का इंतजार करना, अपन कहते हैं ना तारे गिन गिन सारी रात बितावा, तो तारे गिन गिन यानी कि तारे गिनना, व्यग्रता से किसी चीज का इंतजार करना, तो उसमें क्या हो जाएगा, 3-13 होना, 3 का 13, 3 का 13 कैसे होगा भाई, नहीं हो सकता, तो 3 का 13 कैसे होगा, इनके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, तो तीतर बितर हो जाना, अलग अलग हो जाना, अस्त व्यस्त हो जाना, ठीक है, काम का बिखर जाना। 3 कोड़ी का, अपन नहीं कहते यार ये आदमी 2 कोड़ी का नहीं, उसी तरीके से यहाँ यूज किया गया 3 कोड़ी का, तो 3 कोड़ी का मतलब होता है बेकार का, कोई मतलब का नहीं, नीच तुच्छ व्यक्ति जिसका कोई महत्व नहीं हो, तो महत्वहीन व्यक्ति, ठीक है, तुच्छ व्यक्ति के लिए अपन यूज करते हैं। थूक कर चाटना, कोई कमिटमेंट कर देता है और उससे बैग होता है तो अपन क्या कहते हैं, थूक के मत चाट, थूक के चाटने का वादे, अपने वादे से मुकर जाना या अपनी बात से हट जाना। टांग अड़ाना, ये तो सिंपल सा है, आप लोगों को पता है टांग अड़ाना यानी कि बीच काम के बीच में व्यवधान डालना, कईयों की आदत होती है ना बीच बीच में टांग अड़ाने की अर्थात काम में व्यवधान डालने की।
जूती चाटना, जूती जो चाटेगा, समझ रहे हो, क्या करेगा वो, उसकी खुशामत करेगा, चापलूसी करेगा, ठीक है। झंडा गाड़ना, भारतीय सेना ने लाहौर में जाकर के झंडे गाड़ दिए, अर्थात कब्जा कर लेना, ठीक है। तो जब अपना युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान का, उस वक्त जब आप लोग हेडलाइन से पढ़ते होते, नहीं कहते वहां पर जाकर के झंडा गाड़ दिया, तो झंडा गाड़ देना यानी कि विजय प्राप्त कर लेना, वहां पर अधिकार कर लेना, ठीक है। झमेले में पड़ना, झमेले अपन कहते हैं, अरे भाई झमेले में मत पड़, अपने समझ से बाहर है, फालतू में परेशान हो जाएगा, क्या लेना देना है स्टूडेंट्स को, अपन नहीं कहते स्टूडेंट्स को, टीचर में से एडवाइस करता है भाई फालतू के झमेले में मत पड़, तू पढ़ाई कर ले, झमेले का मतलब परेशानियों में पड़ना, फालतू की परेशानी में पड़ना, ठीक है। फूला न समाना यानी कि अत्यधिक प्रसन्न हो जाना, बहुत खुश हो जाना, फूल जाना, फूला का मतलब फूल जाना, तो फूलेगा किससे, खुशी से, तो खुशी अत्यधिक प्रसन्न होगा। फूक फूक कर कदम उठाना, तो फूक फूक कर कदम रखने का मतलब तो सोच समझ करके रखना, यानी कि कहते हैं ना दूध का जला छाछ को फूंक फूंक पर पीता, अर्थात एक बार जिसको धोखा मिल जाता है वो समझ करके कार्य करता है। तो फूक फूक कर कदम रखने का मतलब सोच समझ करके कदम रखना। पाव भारी होना, पाव भारी होने का मतलब होता है गर्भवती हो जाना, क्या होता है, पाव भारी होना, गर्भवती हो जाना। पोबारा होना, ये कहते हैं ना अपने, तो पोबारा हो गई, तो पोबारा का मतलब खुशिया खुशिया हो जाना, ठीक है। कहने लगा अपने काम धंधे सब अच्छे चलना, ठीक है, प्रसन्नता ही प्रसन्नता हो जाना, खुशियां मिल जाना, अच्छे कार्य चल जाना, उसका बोलते हैं पोबार है। समृद्धि हो जाना, खुशहाली आ जाना, धाक जमाना तो जानेंगे, किसी पर प्रभाव जमाना। बगुला भगत यानी कि जो पाखंडी होता है, धोखेबाज होता है, उसको बोलते हैं कि बगुला भगत है, पाखंडी है, और साथ में क्या है, धोखेबाज है, कि आपकी बात सुन के जाएगा भाई, तो ये क्या है, बगुला भगत नाम दिया गया है इसको। दूध का दूध और पानी का पानी बहुत बार आता है, तो दूध का दूध और पानी का मतलब होता है सही न्याय होना, ठीक है। बैंस के आगे बीन बजाना, खूब बार सुनते हैं आप लोग, और एग्जाम में जो मैं वो बता रहा हूँ जो ज्यादातर एग्जाम में रूटीन में घूम फिर करके आते रहते हैं, ये कई एग्जाम होते रहते हैं जिनमें हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, अभी जैसे जीडी की एग्जाम्स होती है, सीआरपी, बीएसएफ, सीएसएफ, इनके लिए उसमें भी हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें भी आती है, एलडीसी में भी आती है, महिला सुपरवाइजर उससे रिलेटेड क्वेश्चन हुए, या फिर आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की जो एग्जाम्स होती है उसके फर्स्ट पेपर में भी हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मगर इस वाले वीडियो में जो डिस्कस कर रहे हैं स्पेशली हम लोग एलडीसी को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है जज। बैंस के आगे भी रीड, रीड से रिलेटेड अगर रीड की बात करें तो उसमें 20 तरह के क्वेश्चन, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो बैंस के आगे बीन बजाना का मतलब होता है मूर्ख व्यक्ति को समझाना, तो भैंस तो समझेगी नहीं बीन का मतलब, तो बीन हम लोग किसके आगे बजा रहे हैं यानी कि वो उसका महत्व ही नहीं जानती है। तो रंग में भंग होना, तो रंग में भंग होना है, एक तो रंग में जाना, एक रंग में भंग होना अर्थात अच्छे कार्य में व्यवधान पड़ जाना। पानी का बुलबुला आप जानते हो, पानी का बुलबुला क्या होता है, क्षणिक भर का होता है, क्षणिक भर का या कुछ समय का। और रंगे हाथों पकड़ना, तो रंगे हाथों पकड़ने का मतलब होता है बेटा किसी को भी, कहने का मतलब गलत कार्य करते हुए पकड़ लेना, अर्थात या जो भी काम कर रहा आते रहते ना, चोर रंगे हाथों पकड़े गए, तो कहने वाले उस वक्त वो चोरी करते, उस वक्त पुलिस ने उनको क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया सबूतों के साथ, तो रंगे हाथों पकड़ना, ठीक है, इसको कहते हैं अपन लोग रंगे हाथों पकड़ना। गाइस इस वाले वीडियो में हमने मुहावरे लोकोक्ति के बारे में डिस्कस कर रहे थे, मैंने मुहावरे लोकोक्ति में थोड़ा अंतर भी बताया और मुहावरे हमने देखे थे, इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा स्पेशल लोकोक्तियों के बारे में, इसमें हमने सिर्फ मुहावरे मुहावरे को देख पाए हैं, ठीक है गाइस, तो जुड़े रहिएगा, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।